के ओबीसी आरक्षण पर मचे विवाद के बीच आज बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने बड़ा बयान दिया। मंदाताई मात्रे ने कहा कि वे खुद ओबीसी समाज से है और इसी के जरिए वे इस मुकाम तक पहुंच सकी है। बीजेपी विधायक ने कहा कि आरक्षण पिछड़े समाज को आगे बढ़ने का अवसर देता है, इसलिए ओबीसी को राजकीय आरक्षण मिलना चाहिए। देखे रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण याचिका रद्द होने के बाद उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ओबीसी समाज को आरक्षण दिलाने में जानबूझकर देरी कर रही है। इस पर बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का अवसर देता है, इस आरक्षण के जरिए वे राजनीति के इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो सकी है। मंदाताई मात्रे ने जोर देकर कहा कि ओबीसी समाज को राजनीतिक आरक्षण से वंचित करना अन्याय है। देखिए, मैं जब भी पहले चुन के आई 95 में, तो मैं ओबीसी महिला कैंडिडेट थी। आज मैं जो इस मुकाम में पहुंची हूं, तो ओबीसी का आरक्षण के वजह से पहुंची हूं। बाद में मैंने हर इंसान के साथ लड़ाई की, वो अलग बात है, मगर ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जैसी एक जो घर में एक चूल्हा जलाने वाली औरत, जो हाउसवाइफ, वो इधर तक पहुंच सकती है और 3-3 बार एमएलए बन सकती है, तो क्यों नहीं ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। ये पिछड़ा हुआ छोटा जमाती का लोग है हम लोग, ये छोटा जमाती के लोग को मौका राज सत्ता में मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।